होता है जो अच्छा काम करता है। अभी तो मंत्र बोलते हैं और बहन जी ने कहा है कथावाचिका जी ने कि आशीर्वचन बोलेंगे, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप लोग जानते हैं कि आशीर्वाद का क्या महत्व है। हम सभी यहाँ जो उपस्थित हुए हैं आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, आइए उसके बारे में बताएंगे। पहले दो चार जो हमारे भागवत यहाँ पे जो कथा हो रही है उसके लिए मैं दो चार मंत्र समर्पित करता हूँ। विधि समय दीप्ति संघारिहुम शिथिल वसु मगाधे मग्न वापति मेरा मुदास्यो मानम ऋणादो दिन कृतनी वला स्वाम सब भेतु बरहा पीड़म न कवर बभो कर रहो कर्णकारम विप्रपाश कनक कपिशम वैजयंतिम चमाराम रंध्रान भेड़ो पद्म पत्रायताची गंभीरावर्तनामी स्तरभरणमिता शुभ्रवस्तो स्तरिया या लक्ष्मी दिव्य रूपेण मणिकर खचित श्रापिता हेम कुंभ शाने पद्महस्ता मम बसतु गृह सर्वमांगल्य युक्ता मंगल भवन मंगल हारी द्रवे भाई आप लोग मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदस्तारीयक चापुर कर सायक प्रणव पवन कुमार सलवन पावन बस लास्ट। अब एक श्लोक के बारे में जो हमारी बहन जी ने कहा कि आशीर्वाद देंगे आशीर्वचन बोलेंगे, क्या आप लोग जानते हैं कि आशीर्वाद का क्या महत्व है? हमारे यहाँ जितने रिश्ते हैं सभी दो शब्द के, वो चाचा हो पापा हो भाई हो पत्नी हो बीवी हो मामा हो काका हो सब दो शब्द के हैं। क्या जा सकते हैं? क्या कोई बोल ही नहीं रहा जा सकते हैं? सारे रिश्ते दो शब्द के हैं, सब जो है सारे जो संबंध है वो अलग अलग अम्ब्रेला लेके अलग अलग छाता लेके खड़े रहते हैं, सब रिश्ते प्रोटेक्ट करते हैं, सब प्रोटेक्शन देते हैं। तो देखिए हमारे शास्त्रों में आशीर्वाद का कितना अच्छा जो व्याख्या किया गया है, आशीर्वाद कितने अक्षरों में लिखा हुआ है, दो या चार, कोई सुन नहीं रहा है, आशीर्वाद दो या चार में लिखा हुआ है, आशीर्वाद चार अक्षरों में लिखा है। आशीर्वाद का पहला अक्षर क्या है? अगर कोई गुरु कोई कथावाचिका कोई पंडित कोई ब्राह्मण कोई आपको आशीर्वाद देता है तो आशीर्वाद का पहला आशीर्वाद दूर से प्रणाम नहीं करना, पाँव स्पर्श करके अपने माथे पे हाथ रखवाना, तो क्या फल होता है? आस होता है आनंद काले बहुराज्य लक्ष्मी। कोई आशीर्वाद देता है तो आशीर्वाद के पहले अक्षर का है आनंद काले बहुराज्य लक्ष्मी, आप आनंदित रहे और बहुत सारी लक्ष्मी की प्राप्ति हो। केवल आशीर्वाद के पहले अक्षर से होता है आनंद काले बहुराज्य लक्ष्मी। इसके आगे जाने के आप लोग कोई नहीं बोल रहा लगता सब। आशीर्वाद के बाद दूसरा अक्षर होता है श्री, श्री का मतलब होता है